बॉइल स्ट्रॉ ऑफ गैसेस की बात करते हैं जी बॉयल स्ट था वो एक साइंटिस्ट था और इसने गैसेस के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमने वन टू और थ्री इन फिगर्स में दिखाया हुआ है वो कौन सा है जी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक सिलेंडर सा लिया हुआ है ब्राउन सा और उसके अंदर हमने गैस जो है वो इनक्लोज की हुई है ठीक है और ऊपर हमने जी एक पिस्टन रखा हुआ है पिस्टन एक ऐसी चीज है जो इस गैस को किसी भी तरीके से बाहर निकलने नहीं दे रही है यानी कि फुली तौर पर इसको क्या क्या वो कवर किया हुआ है? अः जिस तरह आप इसके ऊपर वेट को देख रहे हैं कि एक वेट हमने रखा हुआ है एक अमाउंट रखा हुआ है और यहाँ पर हमने जी गैस के कुछ लिए हुए अंदर या आपको ब्लू कलर के जो है नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल है, ठीक है और यहाँ पर क्या है जी इसने बहुत ज्यादा स्पेस को जो है वो ऑक्योपाई किया हुआ है ज्यादा जगह घेरी हुई है जब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा हुआ है वजन एक रखा हुआ है या आप कह सकते हैं कि बॉट जो है वो हमने एक ही रखा हुआ है ठीक है जब हमने दो बॉट कर दी है या वजन जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया वेट हमने इंक्रीज कर दिया है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम जब जैसे हम किसी चीज को ज्यादा प्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं जी उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर ज्यादा कुवत दी हुई है या ज्यादा वजन रख दिया है और ये क्या कर रहा है नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है प्रेशर जिस तरह की हमने पहले भी बात की थी कि एक यूनिट एरिया अगर हम ले लें और उसके ऊपर हम क्या करें परपेंडिकुलर कोई फोर्स अप्लाई करें परपेंडिकुलर उसके ऊपर जी कोई भी हम कुवत लगा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी प्रेशर कहते हैं जैसे हमने कहा था इसके लिए हमने फॉर्मूला तो हम क्या कर रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है ये परपेंडिकुलरली इस आ, गैस के ऊपर यहाँ पर इस पिस्टन के थ्रू जो है वो यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं प्रेशर कह रहे हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर ये प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम फोर्स के अमाउंट या फिर हम कह रहे हैं कि वजन जो है वो हम ज्यादा करते जा रहे हैं बॉड जो है वो हमने ज्यादा रखना शुरू कर दिए है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा हमने इसकी जो है वो मिकदार जो है या अमाउंट वजन की बहुत ज्यादा कर दी है तो क्या होगा जी ये ज्यादा प्रेशर इस पर प्रोवाइड करेगा जो गैस है अब क्या हो रहा है ये गैस जो है हमारे पास कंप्रेस होती जा रही है यानी कि इनके दरम्यान में अगर हम दे देखें एक ऑक्सीजन गैस हमने ले लिया है लेट सपोज ठीक है और इसमें क्या मौजूद है जी ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद है тик तो अब ये हमने एक मॉलिक्यूल बना रही है लेट सपोज और दूसरा मॉलिक्यूल में बहुत दूर यहाँ पर जाके कहीं बनाऊ ठीक है यानी कि दो एटम जो है वो क्या हुए हैं कोवोलेंटली एक दूसरे से बॉन्डेड हुए हैं कि पहले नंबर अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो क्या होता है जी एट होता है पहले में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं नेक्स्ट में जो है वो सिक्स इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एक किसी भी हम कहते हैं कि एटम के तो ये जो इनके दरम्यान में बॉन्ड बन रहा होता है वो क्या बन रहा होता है जी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है जैसे यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट कर दें वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन ये आ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट में रखे हुए होती है और 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 ये 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 एक एक बॉन्ड बन गया डॉट क्रॉस के साथ और इसी तरह से ये। तो अब क्या है ये एक molecule है मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन गैस का एक यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से दूसरा जो है वो हमारे पास ये इतना दूर मौजूद है इनके दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से यही वजह है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कंप्रेस हो सकती हैं एक दूसरे के करीब आने में इनमें सलाहियत भी ज्यादा होती है अब क्या किया हमने प्रेशर जैसे ही इंक्रीज किया तो ये ज़्यादा स्पेस पहले कर रही थी लेकिन जैसे ही प्रेशर हमने और बढ़ाया तो क्या होगी इनकी स्पेस जो है वो कम हो गई यानी कि इस स्पेस को जो मैं नाम दे रही हूं इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं आप वॉल्यूम किस तरह से कहते हैं जैसे आप एक रूम लें ठीक है और हम कहते हैं कि उसके अंदर गैस जो है वो हमने कोई भी इनक्लोज कर लिया है इस तरह से हमने क्यूब फॉर्म में हमने क्या किया जी रूम को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया अब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास मीटर है यानी कि यूनिट हमने एक ले लिया है डिस्टेंस का या हम मेजरमेंट कर रहे हैं यहां पर यहां से लेकर यहाँ तक अगर चीज की पैमाइश कर रहे हैं फासले को माप रहे हैं तो वो क्या है जी हमारे पास मीटर में जिस तरह हम कहते हैं ये जी आटा या चीनी घर में लेकर आ रहे हैं तो के में हम मेजर कर रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी मीटर इन टू मीटर इन टू मीटर तो इसका जो हमारे पास यूनिट बन जाएगा जी वो क्या है मीटर क्यूब जबकि प्रेशर का हमने यहाँ पर डामिन कर लिया था फोर्स का यूनिट अगेन आ, हमने न्यूटन बताया था और एरिया क्या होता है जी मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर होता है तो यहां पर हम लिख देते हैं इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ये जो, जो कवर कर रही है इसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं। जी, ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो यही है हमारे पास क्या जी बॉइज लॉ जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से जी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जब हम ये सारा का सारा काम जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर में कर रहे हो यानी कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है या हम एक ही टेम्परेचर को रखते हुए जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम सारा का सारा काम कर रहे हो यानी कि तीनों सिलेंडर्स जो है वो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे हुए हो ठीक है यहाँ पर अगेन डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमने एक यूनिट रखा है जिस तरह हम मीटर और के वगैरह को यहाँ पर बता रहे थे तो कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर जब वॉल्यूम हमारे पास कम हो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से तो ये होता है जी बॉयल्स लॉ यानी कि इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वॉल्यूम इज इन ये साइन ऑफ हम कहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है और ये प्रेशर के क्या है जी इनवर्स रिलेशन में किस तरह से जी इस चीज को बढ़ाने से अगर ये वाली हमारे पास कम हो तो इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन है आपस में उल्ट का ताल्लुक है उल्टा ताल्लुक है कि अब बढ़ा रहे हैं प्रेशर तो वॉल्यूम क्या हो रहा है जी कम हो रहा है इसको हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और यही है हमारे पास बॉयल ड्रॉ के रूम टेम्परेचर के अंदर या हम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखें एक ही टेम्परेचर के ऊपर हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें और उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो तो इसको हम कहते हैं जी बॉयल ड्रॉ ऑफ गैसेस